आज की क्लास मेनली आप लोगों के फीडबैक के लिए है, जो आप लोगों ने किया प्रैक्टिस, प्लस कुछ चीजें जो बैकग्राउंड रह गई है मेरी तरफ से सिखाने की, वो मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों का एक्सपीरियंस और फीडबैक, क्या हेलो। किया? हाँ ठीक है। प्लस क्वेश्चन आंसर ऑब्वियसली, क्योंकि अब क्लास खत्म है, तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के जो भी हैं वो पूछ सकते हैं। सर एक तो वो पैसा कैसे खींचा जाए उसका थोड़ा और समझा देना। फोन लगाते हैं लोगों को, फोन नहीं उठाते हैं, उधारी वापस रिकवर नहीं होती है। हाँ वो आज बताऊंगा, वो एक चीज बाकी है आखिरी दिन के लिए, वो मैं बताऊंगा। फोन लगाने का तो मैंने आप लोगों को बताया है, जो स्वर आपका चल रहा है कान पे, फोन उस तरफ लगाइए, फोन पर भी फोन उठा लगेगा, तो सामने वाला बात भी करेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा। अगर आप गलत हाथ से फोन उठाते हैं, गलत कान पे फोन लगाते हैं, तो वो बात आपकी जो फोन पे हो रही है वो बनेगी नहीं। नहीं, जो स्वर चल रहा है उसी से, उसी हैंड से, उसी साइड लगाते हैं। सर फोन आए तभी तो उठाएं, पार्टियां तो फोन आप करो, करती हैं। आप करो सर, सारे काम सामने वाला नहीं ही करेगा, आप भी करोगे ना कुछ? नहीं सर, एक्चुअली हमारा काम जो है उसमें ऑर्डर आते हैं हमें फोन पे, तो वही कम आएंगे तो फिर गड़बड़ उसका हो मैंने जाती आप है। लोगों को तरीका बताया है, 100 बातों का एक उपाय, 100 रेमेडीज का एक रेमेडी। सुबह राइट स्वर से उठिए, राइट स्वर मतलब जो ठीक है वो, राइट मतलब राइट और रॉन्ग वाला राइट है ना, सही राइट, राइट मतलब वो दाएं बाएं वाला राइट नहीं। ठीक है। अगर आप करेक्ट स्वर से उठना शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस में इम्प्रूव होगा, लाइफ में इम्प्रूव होगी, सब चीजें होंगी। एकदम से देखो कुछ भी नहीं होता है ना, शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम आई है शॉर्ट टर्म में सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में चल रही है उसको समय भी लंबा लगेगा ठीक होने में। ओके। एक दिन में कैसे हो जाएगा? मैंने आप लोगों को कहा 3 से 6 महीने इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी 3 महीने में। अभी तो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइमिंग का ही हो जाता है फोन हाँ सर, अभी तो पे। शुरू शुरू में ये एक्सपीरियंस सब हो गई। शेयर करना था। हेलो जी हाँ जी सर, रंजीत। एक एक्सपीरियंस शेयर करना था सर। इसी में ही जी कॉलिंग में, मैं एक्चुअली टेली कॉलिंग में हूँ सर। तो सर चेक करके मैं एक्चुअली कॉलिंग कर रहा था घर के, बट मतलब उसमें रिस्पांस नहीं आ रहा था इतना करके। बट कैसे मतलब कस्टमर से बात हो रही थी बट प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। राइट स्वर में मेरा राइट ही नोस्ट्रिल चलता रहता है, मैं राइट कॉल में ही ले रहा। तो आज मैंने ट्राई किया करके, मैंने चेहरा राइट में घुमा दिया, हाँ चेहरा मैंने राइट साइड में घुमाया, और मैंने फोन भी ऐसे रखे, मैंने कॉल किया। आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी मैंने कॉल किए, जितने भी मैंने कॉल किए, सब शांति से सुन रहे थे घर के, क्लियरली सुन भी रहे थे, और सारे वो इंटरेस्टेड भी हो गए। नहीं, मैं बिलीव क्यों मतलब नहीं करूंगा, मैं सबसे पहला हूं जो बिलीव करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता श्योर है ये श्योर होता है। श्योर मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं एक्सपेरिमेंट्स करो, है ना, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो रेमेडीज आपको भगवान खुद समझाता है। अब आपको ये चेहरा घुमाने वाली बात समझ में आई ना, ये डिवाइन सपोर्ट होती है, हर एक को नहीं मिलती ठीक है। हम लोग जो टीचर्स हैं हम टेक्निक बता सकते हैं, बट वी कैन नॉट हैव अ डिवाइन सपोर्ट विद यू, हम वो नहीं क्रिएट कर सकते। डिवाइन सपोर्ट किसको मिलती है? जो सीखना चाहता है, जिसको अपने ऊपर यकीन होता है कि मैं जो कर रहा हूं इससे रिजल्ट आएगा। देखिए एक बहुत बेसिक सी बात है, सारा खेल वाइब्रेशंस का है ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड वाइब्रेशन हो तो आपका कभी कोई काम नहीं बनेगा, सर क्योंकि जब आप कर रहे हो तो भी तो आपका कंफ्यूज्ड जो वाइब्रेशन है वही ट्रांसफर हो रहा है ना। आप दवाई हाथ में लो, मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लास में, आप दवाई हाथ में लो, 3 बार बोलो ये दवाई खा तो रहा हूं लेकिन मुझे लगेगी नहीं, खा तो रहा हूं मुझे लगेगी नहीं, और उसके बाद आप दवाई खा जाओ,
मैं लिख के देता हूं आपको, वो दवाई नहीं लगेगी क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। फिर राइट साइड चल रहा हो, लेफ्ट साइड चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपकी खुद की वाइब्रेशन है सबसे पहले गोली उसको पकड़ेगी। बीमार आदमी दवा से ठीक नहीं होता, इच्छा शक्ति से ठीक होता है। आपकी ठीक होने की इच्छा ही नहीं है। आप एलोपैथी से कर रहे, आपको एलोपैथी भी यकीन ही नहीं है, तो आप नहीं ठीक हो। आपका डॉक्टर भी यकीन नहीं है, आप ठीक नहीं हो। आपका हनुमान जी पे यकीन है, आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, भभूत लगाओ, टीका लगाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो असल में जो ठीक चीज करती है वो आपका विश्वास करता है। कोई मेडिसिन, कोई केमिकल, कोई दवा नहीं करती। जिन लोगों की बुद्धि ज्यादा चलती है ना, लॉजिकल माइंड जिनका ज्यादा चलता है, डिवाइन सपोर्ट उन्हीं के पास नहीं आती। किसके पास आएगी डिवाइन सपोर्ट? किसको आती है? मैं थोड़ा सा बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं तो जो निरे बेवकूफ होते हैं, भगवान के सामने हम सब बेवकूफ ही होने चाहिए, है ना? उसके सामने स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो जो भोले होते हैं, जो थोड़े से बेवकूफ होते हैं, सीधे होते हैं, सादे होते हैं, छल कपट से दूर होते हैं, डिवाइन सपोर्ट सिर्फ उनके पास आती। जो कहता है मैंने तो दिया जलाया था, भगवान को प्रकट होना चाहिए था, उसको भगवान कभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि प्रकट दिया जलाने से नहीं होते। अंदर की लाइट जली कि नहीं जली उससे होते हैं, वहां तो अंधेरा है, दिया जला के क्या कर लोगे? तो सारा खेल जो है वो आपके फेथ का है, और फेथ का कोई लॉजिक नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फेथ का कोई लॉजिक नहीं होता। जिसका लॉजिक होता है उसके पास फेथ नहीं होता। और ईश्वर या ईश्वरी शक्तियां या ईश्वरी ब्लेसिंग्स उसको मिलती हैं जो फेथ जानता है करना। ईश्वर पे भरोसा नहीं है, वो आपकी मदद नहीं करेगा। कहीं उल्टा पड़ गया तो आपको टेस्ट और कर मारेगा, फिर आप और दुखी हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जितना ईश्वर को वो पूछते हैं, ईश्वर उनको उतना मारता है। ऐसा भी होता है कि वो जिस नियत से पूछ रहे होते हैं उसमें लॉजिक ज्यादा होता है। मैं एक बताता हूं आपको, मेरे एक बहुत नजदीकी जानकार है, सालों से परेशान है। मैंने उनको जब जब जो जो उपाय बताए उन्होंने कभी नहीं किए, लेकिन मैं मिल जाऊं तो मेरा लैपटॉप वो खुलवा ही देते हैं, मेरे से पत्री अपनी वो लगवा ही लेते हैं, लेकिन जब जब जो जो बताया कभी नहीं किया। पिछले 10 साल से जुड़े हुए, कुछ नहीं करते, हालात से तंग हो गए, परेशान हो गए। फिर आखिरी में क्या कहते हैं, यार अब हमने सब छोड़ दिया। तुम छोड़ ही दोगे जब तुमसे हो ही कुछ नहीं रहा, तो छोड़ना पड़ेगा। जा सारे पंडितों को दिखा लिया, सारे तेल दाल चावल चीनी चढ़ा लिए, जब कुछ हुआ नहीं तो फिर क्या करोगे? एक दिन थक ही जाओगे ना। लेकिन सामने पड़ते एक बार देख यार पत्री दे रहा, कुछ आता नहीं। तो एक दिन मेरे से वो कहने लगे, किसी गुरु जी का नाम लेके उनके आश्रम में, बोले वहां जाने से कुछ होता है क्या? मैंने कहा कहीं पे भी चले जाओ, होता तो सब जगह ही है। आप पत्थर को देवता मान लो, वहां पे देवता आ जाते हैं, तो वहां जाने और यहां जाने से तो कोई मेरा मतलब होता नहीं। नहीं, वहां के बारे में फिर भी सुना है कि जो लोग वहां जाते हैं उनके पास पैसा बहुत आता है। मैंने कहा जब तुम इस नियत से जाओगे तो कभी नहीं आएगा। लेकिन इस चीज को मानता नहीं कोई, लॉजिकल ब्रेन वाले हैं ना। हम जा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, 1 घंटा आरती की, आधा घंटा ध्यान किया, तो फल तो मिलना चाहिए। लेकिन क्या करें, नहीं देता वो। थोड़े दिन बाद मुझे धीरे धीरे पता लगा कि अब जो है सब कुछ उन्हीं पे आखिरी भरोसा कर लिया है। मैं बोला चलो एक साइड तो लगे, अपने लालच से ही लगे, एक साइड तो लगे, लेकिन अंदर से जब तक कनेक्शन नहीं आएगा। अब ऐसे लोगों को क्या होता है, मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, साल गए, 2 साल गए और कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये फटाफट अपना डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं।
मुझे बाकी जगहों का पता नहीं, लेकिन दिल्ली का एक रिवाज है, यहाँ हर 3-4 साल में एक नए गुरुजी आते हैं। कभी कोई बाबा मशहूर हो जाता है यहाँ पे, कभी कोई बाबा मशहूर हो जाता है, कभी कोई बाबा में, हर 3 साल में बाबे बदलते रहते हैं, फॉलोअरशिप इनकी आती जाती रहती है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी और बाबा का चर्चा था, फिर उसके बाद किसी और बाबा का चर्चा हुआ, फिर किसी और का हुआ, कुछ जेल चले गए, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, आखिरी में आजकल किसी और का चर्चा है, जिसका है ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जो निराश होते हैं वो कहीं ना कहीं और चले जाएंगे, तो फिर वहां जो जाएंगे वहां वाले बाबा की जय जय होगी। तो जो लोग भटकते रहते हैं ये भटकते ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला, जो टिक जाता है उसको ऊपर वाला अपना लेता है, ये चक्कर है। तो इसलिए मैथमेटिक्स, इक्वेशंस, कैलकुलेशंस ये काम कभी नहीं करती इस फील्ड में, इसमें कभी नहीं होता ऐसा। तो डिवाइन सपोर्ट के लिए थोड़ा बेवकूफ बनना चाहिए, भगवान के सामने जरूर बनो, दुनिया के सामने जितना मर्जी स्मार्ट बन लो, उसके सामने तो बेवकूफ ही हो, नालायक ही हो सभी। बच्चा कितना ही काबिल हो जाए, माँ बाप एक बार तो उसको बोलते तो नालायक ही बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते होगे ना कभी तो, ऐसा रहता है। तो किया था और हुआ नहीं के बीच में जो कहानी है ना, वो यहां पे छुपी हुई है, किया था से नहीं होता। आपने भगवान को भोग लगाया, ऊपर वाले ने वो स्वीकार किया, मैं आपके घर आया खाना खाने के लिए, आपने बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, क्या मैंने खाया, या मुझे पसंद आया, या मैं भूखा भी था, आप तो जबरदस्ती खिला रहे हो प्यार में, मैं भूखा ही नहीं हूं, मेरा खाने का समय नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे पेट में जगह नहीं है, आप जबरदस्ती ठूसे जा रहे हो। तो भगवान को भोग लगाया, इससे रिजल्ट नहीं आते, उसने स्वीकार किया, इससे आते हैं। एक बार बड़ी अच्छी अच्छी चीजें कहीं पढ़ने को मिल जाती हैं। एक नेत्रहीन था, वो रोज बांके बिहारी के दर्शन करने जाता था, तो बाहर जो है वो कुछ लड़के लफाड़े जो खड़े होते हैं वो रोज देखते थे कि अंधा है और रोज बांके बिहारी के दर्शन करने अंदर जाता है, तो वो हंसते थे। एक दिन उन्होंने पकड़ लिया, बोले सूरदास महाराज, ये रोज रोज तुम बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हो, तुम्हारी आंखें तो है नहीं, तुम दर्शन कैसे करोगे, तुमको दर्शन कैसे हो जाएंगे भाई, तुम्हारे तो आंखें ही नहीं। तो जो सूरदास जी थे उनका जवाब बहुत बढ़िया था, उन्होंने बोला मैं इसलिए नहीं जाता कि मैं उसके दर्शन करूं, मैं इसलिए जाता हूं किसी दिन तो उसकी नजर मेरे पे पड़ेगी, जिस दिन उसकी नजर मेरे पे पड़ेगी मेरा उद्धार उस दिन होगा, मेरे उसके दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। ये जिस दिन समझ में आ जाएगी ना कहानी, उस दिन सच में जो हकीकत है वो जिंदगी की समझ में आ जाएगी। और ये जो आप सीख रहे हो, आप लोग कहोगे इसका स्वर से क्या लेना देना, ये जो रंजीत जी ने बोला मैंने मुंह घुमा लिया और बात हो गई, आपको क्या लगता है इन्होंने ऐसे ही मुंह घुमा लिया, ईश्वर ने इनका काम कराने का सोचा होगा ना उस पल में, तो बुद्धि में वो वाइब्रेशन डाल दी कि बेटा मुंह घुमा ले थोड़ा सा, तेरे काम मैं बना देता हूं। इन्होंने घुमाया और काम बन गया, मेरे से खाने से थोड़ी हुआ। ये होता है जब वो आपको देखता है, ये सबसे बड़ा अंतर है। सर, मुझे ये और एक बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत इंस्पायरिंग लगती है, मुझे ये बात जो मैंने आप लोगों को बताई, जिंदगी का सार है ये। हाँ जी, मेरे एक्चुअली पैर नहीं चलते, मैं व्हील चेयर पे हूँ, बैठ अच्छा, रहा हूँ। तो ये जब मैं सुनता हूँ कि पैर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, मैं
हर दिन वही ट्राई करता था, लेफ्ट रखो राइट रखो करके। तो बट सर एक बार लेफ्ट ही पहले उतर जाता, फिर बाद में राइट आता। और है क्या कि मैं मतलब ब्रेन से सेंसेशन नहीं जाता पैरों पे, और पैरों से सेंसेशन ऊपर नहीं, सेंसेशन नहीं है छाती के नीचे। मतलब अभी करूँ क्या करके, अभी समझ में नहीं आ रहा करके, मैं राइट हूँ लेफ्ट हूँ, मतलब क्या हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, जो नहीं चलता उस पर ज्यादा ध्यान देके मतलब नहीं। तो फिर जैसे ही मुझे पता चला कि राइट और लेफ्ट में कौन सा चल रहा है, तो मैं हाथ से मैं जमीन पे रख देता हूँ करके, और सांस खींच के बिल्कुल हाथ ठीक में है, रखू, फिर बाद में ये पूछता हूँ। बिल्कुल ठीक है, यही उसका सही है सर, ऑप्शन है। क्योंकि पैरों से नहीं पता चल रहा था मुझे गति की सही क्या है। देखिए, आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं, बल्कि अगर आप पैर से करोगे तो धीरे धीरे पैरों में करंट आना शुरू होगा। आप कर क्या रहे हो, करंट ही तो टच कर रहे हो। धरती से जो वाइब्रेशन निकलती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, आप उसी एनर्जी को तो कनेक्ट करते हो ना, और आपको एनर्जी फील होती नहीं, लेकिन सर्किट तो जिंदा है ना कहीं, तो कोशिश करो कि पैर से ही करो, आपको उसका असर आएगा, पूरा आएगा, बिल्कुल बिना शक के करो। धीरे धीरे पैर में करंट आने लगेगा, ईश्वर ने चाहा तो रास्ते चीजें ठीक हो जाएंगी। इट मे टेक टाइम, समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 3 महीने में हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा, बट सेंसेशन आने लग जाएगी धीरे धीरे करके। एक पैर में है ऐसा कि दोनों पैरों में? सर ये बिलो चेस्ट नहीं है, C1 C2 लेवल है, बिलो चेस्ट नहीं है सर। हाँ अच्छा, ओके, तो यू आर परमानेंटली ऑन व्हीलचेयर। आप सर, करो, पैर से कर सकते हो तो पैर से करो, अगर पैर से नहीं कर पा रहे तो हाथ से करो, हाथ से भी काम करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि पैर में सेंसेशन नहीं है तो एनर्जी का सर्किट नहीं पूरा होगा, वहां ज्यादा जरूरी है सर्किट को एक्टिवेट करना, है ना। पैर से करेंगे तो ज्यादा अच्छा। सर एक क्वेश्चन है मेरा। और सर मेरे हाँ को जी, भी एक, हाँ जी संगीता जी। जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन करते हैं तो गुरु का होना जरूरी है, मतलब एक बार बताया था गुरु होने चाहिए आपके, नहीं तो अच्छा नहीं रहता, कभी भी कहीं भी पहुंच जाओगे। तो अगर गुरु नहीं है तो फिर क्या किसी भगवान जी को मान लें, जैसे अपना इष्ट देव जो भी है उससे मान के करें? नहीं, उसमें गुरु होना जरूरी है, अच्छा, तो और मैंने तो गुरु कोई भी गुरु, ऐसा जो कुछ बिगड़े तो साध ले, ऐसा वैसा कोई गुरु भी नहीं चलता उसमें। ओ तो अभी गुरु नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है कि चलो राजीव जी मैं आपको गुरु मान लेता हूँ, मान लेती हूँ, आप ही कर दो, मुझे आता ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा, हाँ। है ना। गुरु क्यों चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, ये सीमा जी ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा कभी। सीमा जी, आप अट्यूनमेंट कैसे करते हो, टच करके करते हो एक एक को हाथ लगा के, है ना। आप म्यूट हो। सर मैंने किया नहीं है आज तक अट्यूनमेंट किसी का। अच्छा, अट्यूनमेंट करने के समय में ना, या देखा होगा आपने, जहां जहां पे भी आपने देखा होगा कई लोगों को अट्यून करते हुए, तो कुछ लोग अट्यूनमेंट के दौरान ही उनको फिट्स जैसे पड़ने लग जाते हैं, चीजें हिलने लग जाती, कांपने लग जाते हैं, एक तरह से फिट्स पड़ते हैं। वो जिस समय में फिट्स पड़ते हैं उस समय में शरीर के अंदर कुछ हो रहा होता है, और जो गुरु होते हैं वो उसको संभाल लेते हैं। इसलिए गुरु का होना उसमें बहुत जरूरी है। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, 3 4 केसेस ऐसे हुए हैं, जब मैं अट्यूनमेंट कर रहा था तो चक्र डिस्टर्ब होते हैं, उसमें चक्र हिलते हैं, जब चक्र हिलते हैं तो बहुत सारी चीजें बॉडी में हिलने लग जाती हैं। तो पहली बार हुआ था तो मैं भी थोड़ा घबरा गया था, बट क्योंकि मेडिटेशन स्टेट में था तो
ना कहीं से सपोर्ट मिल गई और मैंने संभाल लिया। उसके बाद तो मुझे प्रैक्टिस हो कैसे संभालना है। मैंने अपने गुरुजी को संभालते देखा पहली बार जब मैंने देखा था, तो हम लोग 108 बच्चे थे और वो योग निद्रा करा रहे थे। योग निद्रा के समय में भी ऐसा होता है, अगर गुरु अपनी शक्तियों से करा रहा है तो वो अपनी शक्तियों से योग निद्रा करा रहे थे और कुछ लोगों को वहीं पे दौरे पड़ने लग गए थे। हमें चिंता हुई कि यार किसी को दौरे पड़ रहे हैं, चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, वो अजीब अजीब सी हालतें होती हैं उस समय में। तो मैं तो बेचैन आत्मा हूँ, जब कोई मेरे साथ वाला एक था वो तड़प रहा था, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा। योग निद्रा में था, मैं गया नहीं योग निद्रा में, तो मैं गुरुजी की तरफ देख रहा था। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके कुछ किया और वो बंदा एकदम शांत हो गया। जो गुरुजन होते हैं वो साध लेते। मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो मैंने भी कुछ किया और वो सध गए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी आज तक तो ऐसे ही रिकॉर्ड है कि मैं साध लेता हूँ। लेकिन हर आदमी नहीं साध पाता, इसलिए गुरु हमेशा ऐसा होना चाहिए जो परेशानी के समय में साध ले। और जब चक्रास की अट्यूनमेंट होती है ना, तो ये बहुत डेंजरस होती है। ये जो रेकी में कहा जाता है ना, रेकी हर कोई सीख सकता है, ये रेकी में बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है। रेकी हर कोई नहीं सीख सकता, ईश्वर ने कुछ लोग बनाए हैं जिनके लिए बनी है, ये सबके लिए नहीं है, सब ना ट्राई करें। जो ज्योतिष के मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं किसको सीखनी है और किसको नहीं सीखनी है, मैंने क्लास में बताया हुआ है। ठीक है जी, आप करिए रंजीत जी इसको कंटिन्यूअस करिए, आपकी सेंसेशन धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएगी, ईश्वर करेगा जरूर आएगी, सर मुझे करते भी रहिए आप। एक्सपीरियंस आप, शेयर करना। आपका केतु कहाँ बैठा रंजीत जी, मालूम है आपको? 10th हाउस में, उसमें मर्क्यूरी भी है, सन के साथ भी है। सैटर्न भी तो कहीं है आसपास, सैटर्न 11th में बैठा है वीनस के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, सैटर्न भी तो आसपास है। तो ठीक हाँ जी हाँ सर, बताइए, हाँ मेरे मोहित। को सर मैं अभी शेयर मार्केट कर रहा हूँ ना लास्ट 2 मंथ से। तो सर आपने जो बताया था ना लेवर से करना, तो मैं उसे करता हूँ सर। मेरे को बहुत लाखों में फायदा हो रहा है। मेरे पास ओ मेरी कमीशन तो आई नहीं, लाखों तुमने कमाए तो। हाँ वो और भी सर एक और सर आपने और भी सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको कोई लोन पे करे हो ना तो आपको रार में पे करना है। तो सर मैंने राइट में पे करा ना, तो उससे मेरा लोन भी कम हो रहा है, अभी फिर से मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही सर। हाँ, मैंने देखा और ये, स्टॉक मार्केट का कोर्स कराने वाले लाखों लाख रुपए लेते हैं, हाँ लेते हैं सर और मैं बहुत। छोटी सी ट्रिक बता दी इसमें, स्टॉक मार्केट में काम कर लो, नुकसान कभी होगा ही नहीं। हाँ सर मतलब कि सर मैं शेयर लेता हूँ तो वो बढ़ता ही होगा सर, उसके बाद उसको सेल करने का सर मेरा मन होता ही नहीं है। तो सर उसको मैं होल्ड करता हूँ, फिर सर वो बढ़ता ही जाता है। अगली क्लास बढ़िया में बढ़िया, होंगे, कुछ प्रभु को चढ़ा देना, कुछ हाँ सर पक्का। कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बनता है भाई, उसको दे देना। हाँ सर पक्का। सर मेरा भी एक्सपीरियंस है। हाँ जी बताइए। सर तो क्या हुआ, पहले तो समझने में थोड़ा कंफ्यूजन था कि किस टाइम कौन सा चल रहा है। ये 4 दिन पहले की बात थी, तो जिस टाइम चंद्र स्वर चल रहा था, एक्चुअल में मेरे को प्रॉब्लम थी स्वर चेंज करने में ना, फोर्सफुली होता नहीं है चेंज, चाहे 50 बार मैं करूँ 40 बार तो फिलहाल नहीं हो रहा है ऐसे। तो चंद्र स्वर के टाइम पे तो 17 टाइम्स पैसे मिलने थे उसके बैठ के, तो मैंने $1 लगाया था उस टाइम जस्ट चेक करने के लिए।
तो मेरे पास वो जीत गया वो बैट। $1 का कितना मिला? सतारह अच्छा 17 टाइम्स का ना, तो स्टेक 17 टाइम था, तो उसका मैंने चेक ही करना था कि क्या है कैसे है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले रहा था ज्यादा, तो मैंने एक एक डॉलर ही लगाया था, तो 17 डॉलर आ गए थे। हाँ जिगरा छोटा खोला है, $100 लगाए होते तो कितने आते? 17 सौ। बट भैया जुए हुए के लिए ये सब चीजें नहीं होती, सट्टा जुआ लॉटरी इनसे दूर ही रहो। वो बात अलग है कि जुए को जीतने सट्टा जीतने के भी कुछ नियम होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप जुआ सट्टा भी कभी नहीं हारोगे। सर परसों थर्सडे को मेरी एक वो है, जो लेडी ने आपको बता रहा था मैं, वो जो टैरो कार्ड पे हर हफ्ते हाँ जाती है, तो थर्सडे को है उस उनके साथ, तो वैसे ही मैं उनको बता रहा था कि उनको बड़ा जानने का शौक है कि हाउसेस प्लैनेट्स एंड दिस एंड दैट, तो कहते मेरे को सिखा तू, मैं तेरे को पे करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो थर्सडे को हम बैठते हैं, तो पहली क्लास होगी उनके क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी इसका अपना कोर्स पूरा हो गया? सर। बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छे से थैंक यू सो सिखाना, मच। मेहनत करना। बिल्कुल सर। एक बात बताता हूँ आप लोगों को, आदमी जितना खुद सीखते सीखता है ना, उससे ज्यादा सिखाते हुए सीखता है। सामने 50 बच्चे बैठे हो तो मास्टर जी को दुगदुगी लगी रहती है अंदर से, कौन सा सवाल पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा सामने वाला, है ना। लेकिन जब शुरू शुरू में ही 40 40 50 50 बच्चों की क्लास करने लग जाए कोई, तो उसकी पॉलिशिंग हो जाती है, चमक जाता है वो बहुत जल्दी। जिसने किसी ने 5 साल में सीखना है ना, वो उतना 1 साल में सीख जाएगा। वो कहते हैं जो घुसता है और घिसता है वो चमक जाता है। तो ये भी एक तरीका है सीखने का, मैंने ऐसे सर ही उन्होंने सीखा। मेरे को बोला कि तू ना मेरे को लिख के दे दे, मैं फोन पे जैसे बात होती है बताता, मैं कहा मैं लिख के नहीं, मेरे को आएगा लिख के नहीं, मेरे को आता बताना, ना ही मैंने ऐसे सीखा ना मेरे को ऐसे सिखाया, तो लिखने हाँ वाला नहीं अपने में, ना किताबों से पढ़ के कुछ करना है, ना किताब लिखनी है, ना कुछ करना, किताब का कोई लेना देना ही नहीं है। ना, मेरी भाषा में बोला करो ना, बुद्ध जागृत नहीं करना। मेरे को कहते तू लिख के ना ये साथ साथ जो बोल रहा, मैं क्या मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं करने वाला, आपके कहने पे कभी मैं नहीं लिखूं। करना, मैंने बोला मेरे आपने स्टूडेंट्स लिख अगर, लिख के नहीं पढ़ सकते। हर टीचर के पास कैसे डिस्ट्रक्शन बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए ये भी तो डिसाइडेड होता है ना। मेरे पास किताबी ज्ञान वाले नहीं आएंगे, उनका पेट ही नहीं भरेगा, वो लॉजिक भिड़ाएंगे, मैं लॉजिक भिड़ाने नहीं देता। लॉजिक का कोई अंत नहीं होता, आप जितना मर्जी डिस्कस किए जाओ। सर एक बात शेयर करूं, थोड़ा ज्यादा जी टाइम नहीं नहीं लूंगा मैं, तो नहीं बताओ। सर आप पहले, आपको तो बताया था मैंने ना जब कंसल्टेशन ली थी, तो के छोटे होते से फादर से मैं थोड़ा थोड़ा सीखता था, इंटरेस्ट था उसमें, तो लास्ट ईयर जब वो सर्जरी का टाइम आया, तो मैंने बहुत जैसे बहुत यूट्यूब देखा और कोई फालतू चीज नहीं देखी, टू द पॉइंट देखी, और करते कराते मैं आपके पास जब आया, मेरे को अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि मेरा टाइम नहीं खराब हुआ। मतलब जैसे कहते ना कि अभी जो मेरे फादर है वो 20 25 साल से दिखा रहे पत्रियां ना कैसे कर रहे हैं, तो मैं वो देखता हूँ उनका कि अगर नहीं मिलना इस जन्म में तो नहीं मिलना, आप नहीं मिल रहा। सिर्फ, तो मतलब मैं खुद को ऐसे सोचता हूँ कि मेरा टाइम नहीं खराब हुआ, मेरे को टू द पॉइंट आया, मेरे को ना मैंने लाल किताब सीखी, ना मैंने बहुत लंबा लंबा कुछ सीखा, मैं सीधा आया BNN सीखा, और 1 मिनट प्रेडिक्शन बिल्कुल वैसे ही है, करनी शुरू कर वन दी। मिनट
सर मेरा चलिए वापस डायलॉग कहाँ स्वर पे आ जाते हैं। लगते हैं, सूत्र कहाँ हाँ लगते हैं? मैं मीनू जी कहती हैं हमारी सूत्र ठा लगते हैं, इनका पेट सेंटेंस है सूत्र ठा ठा लगते हैं। कई बारी तो अगला चलिए डर स्वर पे जाता है। वापस आ जाते हैं, स्वर पे वापस आते हैं। हाँ जी और किसी का कोई एक्सपीरियंस, किसी ने कुछ चेक किया? सर मैं शेयर करना चाह रहा था। तो जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में। जब भी कार ड्राइव करता हूँ तो सुनता रहता हूँ, तो बहुत सारी डायरेक्शन मिल जाती हैं और तो रिजोल्यूशन भी हो जाता है। जैसे कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैफिक दिखा मेरे को गूगल पे, आपने आपकी मैं वीडियो सुन रहा था कि आपने कैसे दो तीन इंस्टेंसेस ट्रैफिक में से कैसे निकले आप। मैंने उसी समय किया तो वाकई में ही मेरे को चमत्कार दिखा, मेरे को गूगल ने दूसरा रास्ता दिखा दिया और मैं निकल गया, नहीं तो 1 घंटे का ट्रैफिक था। ऐसे पिछले 4 दिनों से काफी कुछ फील भी कर रहा हूँ अच्छा, एंड अपना यहाँ तक कि मेरे अंदर कोई काफी सारी अशांति थी, मन बहुत कुछ चीजें सोचता था, तो मैंने अपने आप पे आजमाया कि मेरे अंदर से सारी चीजें खत्म हो रही है। जो फूक मारने वाला आपने बोला था चंद स्वर चलता है तो वैसा करो, तो एक इमीडिएटली वो मेरे को रिलैक्स फील हुआ, तो मेरे विचार भी एकदम शांत हो गए। वाइफ चलिए एक को सूत्र और देता हूँ, ड्राइव करते करते सर, 1 मिनट में रोक रहा हूँ आपको, यस सर याद आ गया तो बता देता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ड्राइव कर रहे हो, जीपीएस दिखाता है लेफ्ट मुड़ो, आपका मन करता है राइट मुड़ो, होता है ना ऐसे? डिसीजन यस सर यस सर सर कैसे लोगे? जो स्वर चल रहा है उस तरफ मुड़ जाओ, वहां से आप सही रास्ते पे पहुंच जाओगे। ये आपका सबसे बढ़िया जीपीएस सिस्टम है भगवान ने जो आपकी नाक में लगा के दिया है। घर से निकलने के समय गाड़ी का स्वर चेक करके, मतलब अपना स्वर चेक करके गाड़ी को कनेक्ट करो, रास्ते में ट्रैफिक में परेशानी जाम आपको मिलेगा नहीं। कहीं दुविधा आ रही है लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल राइट नॉस्ट्रल चेक करो, अगर राइट बता रही है तो राइट को मुड़ जाइए, लेफ्ट बता रही है लेफ्ट को मुड़ जाइए, छोड़ दीजिए जीपीएस क्या बता रहा है, आप अपने जीपीएस पे भरोसा कीजिए। थैंक देखिए यू सर आपका कैसे टाइम बचता है, आपने पॉइंट थैंक ये याद दिला दिया तो मुझे, मैंने कहा चलो मैं बता। ये देखो ये सारी चीजें ना सिलेबस में नहीं आ सकती, यू यस सर करेक्ट प्रैक्टिस में आ सकती है। करेक्ट आपके पास एक टूल है जिसको आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। अगर गर्दन घुमाने से फोन पे सामने वाले से बात हो सकती है, तो गाड़ी घुमाने से आपको रास्ता भी तो साफ मिल सकता है। देखा सर जाए तो एक ही चीज कर रहे हो ना आप, यस दोनों में कोई फर्क तो सर नहीं है ना, स्वर को ही तो मैच कर रहे हो ना, तो करो। यस आपका जीपीएस भगवान ने बना के दिया हुआ है आपको, गूगल ने तो बाद में बनाया, आपके साथ लाइव है। सर हाँ जी एक सर, एक क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नहीं जी था। मेरे फादर दिल्ली में, पुणे में हूँ, तो वो परेशानी में, एज में, उनकी एज 80 के आसपास है, तो कुछ मेडिकल इशू है अभी। वो पहले वो बेसिकली वो स्पिरिचुअल में बहुत ज्यादा है सर इन्वॉल्व, एंड अभी मैं जब गया था तो पहले उनको लिखना नहीं आता था, तो अभी वो गीता ज्ञान वगैरह गीता में बहुत अच्छा तो अचानक है ना वो लिखने लगे थे। मैं अभी जब दिल्ली गया ना तो बहुत ज्यादा राइटिंग बहुत फास्ट करने लग गए थे। वो मेरे को बोल रहे थे कि अभी मैं राइटिंग पता नहीं क्यों फास्ट करने लग गया हूँ, मेरे को आत्मज्ञान की तरफ और ज्ञान की तरफ ही मैं बहुत ज्यादा जा रहा हूँ सर। लेकिन अभी 1 हफ्ते से ना उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो ही इज टोटली बेड रिडन नाउ। तो आपने जो एक वो चीज बताई थी जब चंद्र से आप फूक मारे, यू जस्ट विश समथिंग टू एंड समबडीज यू नो एलिमेंट सर, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, का विश्वास है भगवान के ऊपर, वैसा करके करता हूँ। बट सर क्या ये चीज जो है, मेरे जैसे फादर की जो कंडीशन है 85 ईयर्स ओल्ड और उनको प्रॉब्लम है, रात को सो भी नहीं पाते हैं, एंड खांसी होती है, बलगम आता है, एंड इज टोटली मतलब वीक भी बहुत हो गए हैं, तो क्या ये इस
जो मैं सोच रहा हूँ कि पक्के विश्वास के साथ ये इस एज में भी उनको थोड़ा उनको पेन से रिलीव कराएगा सर देखो तो टेम्पर, मैं समझ गया आपकी बात, थोड़ा सा शॉर्ट में रखते तो ज्यादा अच्छा रहता, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए अब ये एज ऐसी है कि इस एज में आप इम्प्रूवमेंट की उम्मीद तो नहीं कर सकते, ठीक है, आप तो डाउनफॉल ही है। माई फादर इज ऑल्सो 86, मैं रोज देखता हूँ, है ना, तो वो टेम्परेरी रिलीफ उनको थोड़ा बहुत हो सकता है आपकी वजह से जो आप करते हो, लेकिन आप ये कहो कि रिवर्स गियर लग जाए और वो बुढ़ापे से यंग होने की तरफ चल पड़े, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। प्रकृति प्रकृति अपनी चाल से चलेगी, वो प्रकृति है, आना और जाना है ना, उसको आप थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हो लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते, इतना समझ लीजिए। तो प्रकृति का नियम है, उसे नहीं बदल सकते आप किसी भी विद्या से। प्रकृति ने कोई विद्या ऐसी नहीं बनाई जो उसको उसके नेचर से हटा दे, है ना। प्रा मतलब पहले से, कृति जो पहले से रचा जा चुका है, इसको बोलते हैं प्रकृति, जो पहले से रचा है, ये पहले से रचा है। आप बच्चे हो, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, एक दिन जाओगे, ठीक है ना। और आपके फादर ने जो बोला था ना कि थोड़ा सा मैं अच्छा हो गया हूँ, थोड़ा सा मैं लिखने लग गया हूँ, ये वो अपने आप को तसल्ली दे रहे थे, असल में ऐसा था नहीं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद वो आपको ऐसा कन्वे करना चाहते थे कि आई एम बेटर नाउ, लेकिन ऐसा था नहीं, जितना वो बता रहे उतना नहीं था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ? सर हाँ सर, सर तक 29th को जब मैं सुबह उठा तो मैंने डेली पंचांग चेक करा तो उसमें चौथी तिथि थी, और उसके अगले दिन भी डेली पंचांग में चौथी तिथि आ रही सुबह, हाँ ऐसा होता है। तो दोनों दिन चौथी तिथि के हिसाब से उठना है या अगले दिन अपने आप पांचवी के हिसाब से उठना है? हाँ चौथी चतुर्थी में दो सूर्योदय, जी, ऐसा नहीं थी हो इस बार, सकता। थी हाँ सर, 2 दिन थी चतुर्थी, दो मैंने भी दिन थी, देखा था सर। दूसरे हाँ दिन, सर, दूसरे दिन मैंने 8 फैक्ट्री बज के जाके सुना, 57 मिनट तक थी। चतुर्थी में दो सूर्योदय थे। हाँ, अच्छा वो एक्चुअली सुबह 6 बजे जो शुरू हुई चतुर्थी, अगले दिन 11:55 तक थी, नहीं, आठ नेक्स्ट डे सत्तावन तक मॉर्निंग। था, हाँ, 8:57 तक नहीं थी। तो जो तिथि है उसके हिसाब से आप करोगे, वैसे ही करना है ना सर, जो जैसा तिथि तिथि पे के लिखा हिसाब, है वही हमारा करना तिथि पे बेस्ड है। है। ओके सर, जी, मैंने जिस ग्रुप में तिथि सर में वही दो डाला था। सूर्योदय, ये बड़ी सरप्राइजिंग है जो आप बता रहे हो, हो सकता है मेरे से कहीं गलती हो रही हो, लेकिन जिस तिथि में दो सूर्योदय होते हैं वो तिथियां बड़ी शुभ होती हैं। ओ नॉर्मली ऐसा होता, मतलब दो सूर्योदय तो होते हैं, चतुर्थी में हो रहा है ये मेरे को देखना पड़ेगा। तो दो सूर्योदय कैसे, तिथि तो 2 दिन में जा सकती है, बस सूर्योदय कैसे? सर देखो सूर्य तो 7:12 में निकलने का टाइम है, तो निकलेगा ना, सर वो तो नहीं बदलेगा ना, है ना। तो चतुर्थी आपकी एक दिन शुरू हुई, दूसरे दिन दोपहर 11 बजे तक चल रही है, तो तिथि तो दोपहर 11 बजे तक चली, लेकिन तो क्या 11 बजे तक सूर्य नहीं निकलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ सूर्य तो निकलेगा अपने टाइम पे, तो एक जो पिछली तिथि जब शुरू हुई थी तो सूर्योदय उसने देखा, एक दिन में और दो तिथि दूसरे हो गई, दिन डे भी तिथि वही थी चेंज और हो गया सूर्योदय ना, फिर देखा उसने। डे चेंज यस, हो गया, तिथि वही थी। हमारे डे से मतलब नहीं, हमारा तिथि पे चलता है। आप संडे मंडे देख रहे हो, संडे मंडे से मतलब नहीं है, ये तो अंग्रेजों के बनाए हुए, हमारे नहीं है, हमारे तो जी अलग तरीके से चलते हैं पंचांग में, ठीक है जी। दो सूर्योदय है, मैं देखूंगा इसको, चेक करूंगा मैं। किस तारीख की बात बता रहे हैं? सर, 29 और 30 अच्छा मैं चेक करता हूँ। गणेश चौथी सर, उस दिन बड़ी गणेश हाँ चौथी। संकट चतुर्थी होगी, संकट हाँ चतुर्दशी। चलिए, उस और कुछ चतुर्थी किसी में, का? उस जी सर, चतुर्थी में जो है कैलकुलेशन सर कैसे होगी, मतलब पिछली चतुर्थी से कैलकुलेशन वो स्टार्ट होगी या? सर पिछली तिथि जो चतुर्थी शुरू हुई उसमें सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ? पिछली में भी हुआ और दूसरी में भी सूर्योदय था। हाँ तो दोनों चतुर्थी के हिसाब से आप अपना वो चेक करोगे सोच। नहीं, जैसे दूसरा सूर्योदय जो है, जो दूसरी चतुर्थी है, मान लीजिए इसे वो भी 3 दिन सात देखना है, बारह चार पे पांच छह 7:12 की जगह बता तो रहा 9:10। हूं सर, 4 तारीख को भी सूर्योदय हुआ, 5 तारीख को भी सूर्योदय हुआ, दोनों दिन चतुर्थी थी, ठीक है,
सूर्योदय के समय पे, तो आप चतुर्थी के सूर्य के हिसाब से ही पैर अपने रखो, वही तो बता रहा हूं। ठीक ठीक है। मेरे आपने साथ है ना कल चतुर्थी के चतुर्थी, कल मेरे पास आपने जैसे ये चंद्र स्वर चल रहा है और फिर आपने वो बताया कि ना टाइमिंग्स का बताया, तो उसमें कैसे करना है? वो मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी, मैंने वीडियो हाँ, सुनी तो थी फिर मैम इसलिए। वीडियो देखेगा, दोबारा से तो नहीं हो पाएगा, आप वीडियो देखेगा। नहीं तो उसमें क्या मतलब है ना, चंद्र स्वर वाला है रखेंगे या फिर है ना टाइमिंग्स के हिसाब से रखेंगे, वो चीज वीडियो समझ देख नहीं लीजिएगा आई मेरे मैम, को। वो आपने तो एक सवाल पूछ लिया, मुझे आधा घंटा लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो मैंने दो जाएगा। तीन बार देखी, समझ में नहीं आया इसीलिए पूछा मैंने। जो तिथि लगती है उस तिथि के हिसाब से देखा जाता है, सूर्योदय से हमारा समय शुरू होता है, ठीक, ठीक है ना, सूर्योदय के हिसाब से ही तिथि चक्की जाए। सर जो आपने वास्तु वाला बताया था कि सांस खींचो फिर बालकनी में जाके छोड़ दो, तो वो दो स्वर में काम करेगा ना, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ वो चले स्वरी तो रोक के रखना चंद्र है, स्वर, नहीं कोई भी स्वर सॉरी हो, उससे सर। मतलब नहीं है। ओके, स्वर कौन वो सा है टाइम के इससे हिसाब से जो भी मतलब स्वर नहीं है। है, सेम स्वर में इनहेलिंग और एक्सहेलिंग दोनों होनी चाहिए। ये वास्तु के लिए था ये। हाँ वास्तु की रेमेडी बताई थी, स्वर से वास्तु कैसे ठीक किया जाता लेफ्ट है। स्वर से मैं नहीं था सर, लेफ्ट से करना था, नहीं एनी 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 स्वर, जो उस दिन एनी का ड्यू स्वर। स्वर है उससे, उस दिन का जो ड्यू ओ स्वर है उससे। ओके, मेरे साथ कल मैं उठा, उस टाइम में दोनों स्वर चल रहे थे और मैंने उसको कोशिश करी कि किसी तरीके से वो ठीक हो जाए, लेकिन 2 4 5 7 मिनट ठीक नहीं हुआ। फिर मैं मुझे उसका एक सोल्यूशन ये है कि दोनों पैर उस दिन जमीन पे एक साथ रखिए, अच्छा ठीक उसका और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हो जाता है ऐसा, हाँ आप हाँ दोनों पैर एक साथ जमीन पे रखिए और नॉर्मल तरीके से उठ जाइए, कोई सांस वांस का उस दिन ध्यान नहीं देना, बस दोनों पैर जमीन पे एक साथ रखिए। और मेरा ज्यादातर राइट स्वर ज्यादा चलता है, मतलब और उस सिचुएशन में लेफ्ट स्वर में जो काम करने चाहिए वो फिर वो देखता रहता हूं कि ये तो मतलब सर भगवान जी सब कुछ थोड़ी दे देते हैं। अरे जिसका स्वर बराबर से चले हो लेफ्ट और राइट, इसका मतलब उसके ऊपर ईश्वर की पूरी कृपा है, उसको सब चीजें मिलेंगी जीवन में। जिसका नहीं चलता उसको कुछ चीजें वो देगा, कुछ नहीं, नहीं उसको आधी चीजें जिंदगी में मिलेंगी आधी नहीं मिलेंगी। इसी से तो मैनेजमेंट हो रही है सारी, आपको ईश्वर ने क्या देना है उसकी मैनेजमेंट कौन कर रहा है, आपका स्वर ही तो कर रहा है। ठीक तो इसी की तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसको कैसे ठीक करा जाए, करिए, सिखाना मेरा काम है, मैंने सिखा दिया, आप करिए प्रैक्टिस। अब मेरा ये चलता है, मेरा वो चलता है, तो ये दिक्कत तो मेरे साथ भी है। मुझे मुझे कभी लेफ्ट चलाना होता है तो मुझे जबरदस्ती चलाना पड़ता है, नहीं तो मैं जिस समय का होना है तो होता है टाइम, उस समय का इंतजार करता हूँ, अगर मैं इंतजार कर सकता हूं तो, है ना। तो दोनों का अलग अलग है। किसी अफसर से कोई काम कराना है मुझे, और मतलब किस स्वर में उसके पास निकल घर से निकलने के टाइम में स्वर देखें, या उसके पास पहुंचने के टाइम का स्वर सर देखना। देखो मैंने आप लोगों को, फिर वही बात आ गई, मैंने आपको क्या बोला, सीखने के स्टेप्स में मैंने आपको ए से लेके जेड तक सिखाया, ठीक है, लेकिन फाइनल क्या है, फाइनल है सुबह ढंग से उठो, आपके काम वैसे ही बन जाएंगे। अगर आज की तारीख में आप सुबह नियम से उठे हो ठीक तो आप अफसर के कमरे में कैसे भी जा रहे हो आपका काम हो ही जाएगा, वो कुदरत अपने आप संभाल लेगी। लेकिन आप सुबह नहीं उठे हो, अफसर के कमरे में जा रहे हो, तो जो स्वर चल रहा है उस स्वर से ऑफिसर के कमरे में एंटर कीजिए, ओके अफसर को अपने फेस पे उस साइड में रखिए। ये सब तो बताया हुआ है मैंने, हाँ ठीक है ठीक है। भूल गया आप? यस सर, दिमाग से निकल गया था। सर आपने सोने की मेरा एक सोचो, डायरेक्शन, मेरा सोचो, मुझे इतना कुछ याद रहता है मेरे दिमाग से निकल जाता है, मेरा क्या हाल।
आपको तो प्रैक्टिस अरे है सर, इतने साल की आप नहीं सुनने की भूलोगे। आवाज आ रही सर। हाँ जी रश्मि जी बताइए। सर आपने एक ये कहा था आकाश की तरफ करके करवट नहीं सोना है, बाएं करवट या दाएं करवट सोना है, तो वो मैं देख रही हूँ सर, मैं ज्यादा टाइम आकाश की तरफ ही देखकर सोती हूँ, या रात में अगर इधर उधर रही भी तो चली जाती हूँ उस तरफ से सोती हूँ, तो वो रीजन क्या है सर उसका? मैं तो कोशिश करती हूँ किसी करवट रहूँ, बट वो ज्यादा हो रहा है अभी। अगर आप बीच का पकड़ के सोते हो ना, मतलब ना लेफ्ट को करवट है ना राइट को करवट है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपका मध्य स्वर चले। मध्य स्वर चलेगा तो बिगड़ेगा मामला। मध्य स्वर आम आदमी को, आम इंसान को नहीं चलाना चाहिए। हाँ, इधर तबीयत थोड़ी डाउन जा रही है सर। उसमें दिक्कत होगी लाइफ में। जब भी आप सीधे सोगे आपको परेशानी होगी। मतलब सर अब को कोई लोग हेल्थ उसमें वाइज वो या बताते हैं। हाँ जी बोलिए। हर लाइफ के हर फील्ड में, मतलब हर एक तरफ परेशानी होगी। हर फील्ड में दिक्कत होगी, किसी में थोड़ी ज्यादा हो सकती है, किसी में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होगी। लाइफ में जो चीजें उलझ रही हैं या जो ठीक भी चल रही हैं, वो भी धीरे धीरे उलझना शुरू हो जाएंगी। इट मे नॉट बी नेसेसरीली हेल्थ इश्यू, बट हेल्थ इश्यू भी कंसिडर फर्स्ट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं ठीक नहीं हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सिंपल सी बात है ना। तो हेल्थ सबसे पहले आता है, बट ऐसा नहीं है कि इश्यू सिर्फ हेल्थ का आएगा। हेल्थ के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज लाइफ में शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू इन सम टाइम। कुछ समय के बाद लाइफ में बहुत मेजर इश्यूज आपके खड़े हो जाएंगे। फिर वो क्योरेबल हो ना हो, उसकी भी हम पूरी तरह से बात नहीं कर सकते। यहां तक उसका रहता है। एक सेकेंड ना। लंबे समय तक नहीं सोना चाहिए। आप 15 दिन सो लो, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। 15 दिन, ज्यादा नहीं। कोई ना कोई इश्यू आ जाएगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ है तो बताइए, शेयर कीजिए, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगा ना। मेरी तो सर अभी वो थोड़ी हेल्थ डाउन जा रही थी, और मेरे मतलब काफ पेन, काफी ज्यादा मसल्स पेन होते थे, तो मैंने सर 2 बार अभी ये ट्राई किया है, सर का एक्सपेरिमेंट किया, इतनी पेन थी सर कि मुझे पेन किलर लेना पड़ता, तो मैंने अपना सर चेक किया था रात में सोने के पहले, ये 2 3 दिन पहले की बात है, इनफैक्ट 4 डेज पहले की बात है, तो मैं सोच रही थी कि मैं जाके मेडिसिन ले लेती हूँ फिर सोऊंगी, बट मैंने लिया नहीं सर, मैंने करवट चेंज किया। आफ्टर 15 मिनट्स मुझे 35 या 40% रिलीफ लगा, उसके 15 मिनट आगे जाके और रिलीफ लगा, एंड सर इट्स लाइक 45 मिनट्स में मेरे पेन नहीं थे, ये एकदम क्लियर मेरा एक्सपीरियंस रहा। कल रात में बाहर से आई शाम में, तो ठंड लग गई सर, तो रात में मुझे समझ आ रहा थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं, मतलब मेडिसिन ठंड की कुछ होती भी नहीं है, तो मैंने फिर से सर के साथ वो एक्सपेरिमेंट किया, तो मेरी तबीयत लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स के अंदर कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई थी मैं, फिर मैं रात में अच्छे से सोई हूँ, तो मैंने अभी हेल्थ पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये वर्क कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है पर हो रहा है। पहला हेल्थ पे आता है, बाकी डायमेंशंस पे, बाकी डोमेन्स पे धीरे धीरे करके आएगा। वो एक्चुअली कास्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं ना, जैसे क्योंकि हेल्थ खराब है इसलिए मेरे से काम भी नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा तो मेरा इनपुट पूरा नहीं जा रहा, इनपुट नहीं जा रहा तो काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस तरीके से रहता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन मेन आपका क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ खराब मैं जनरली सर है, आपके सिर आकाश की में तरफ दर्द हो रहा हो, देखकर, आप खाना बनाओ, घर में खाना भी नहीं मिलेगा हाँ ना राइट अच्छे उस दिन। राइट, मैं वही सर चीज। सोती भी नहीं हूँ किसी, मैं कोई एक करवट की तरफ ही सोती हूँ, पर मैं इधर एक हफ्ते से ऐसे फ्रंट होके ज्यादा सो रही थी, और मैंने देखा मेरा मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होनी शुरू हुई, यही मुझे जी इसका लगा। बिल्कुल होने शुरू हो जाएगी। और जो लोग
इस तरीके से सोते हैं आप, उनको देखना जिंदगी में आगे जाके कहीं ना कहीं उनको कोई बहुत सीरियस मेडिकल थ्रेट होता है, कभी भी चेक कर लेना। जो लोग लंबे समय से आदतन जिसको बोलते हैं ना, हैबिचुअल हैं, सीधा ही सोना है, उनको लाइफ में बहुत तकलीफ रहती है, एंड उनके लाइफ का बहुत बुरा होता है, क्योंकि सारे मेडिकल इश्यूज धीरे धीरे अपियर होने लग जाते हैं आपके लाइफ में, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे, आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। और भगवान ने उपाय कितना सिंपल सा दिया, देखो देखो, सन एंड मून ये दोनों आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के कारक हैं। सन से भी इम्यूनिटी आती है, मून से भी इम्यूनिटी आती है। अगर आपको मून की सफरिंग है तो हील सन करेगा, सन की सफरिंग है तो हीलिंग मून करेगा। जैसे सन की सफरिंग है मतलब क्या है, सूर्य क्या है, गर्मी दे रहा है तो बॉडी अंदर से ओवर हीट हो रही है। ओवर हीट होगी तो क्या करेगी, बॉडी के ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसकी जागृत हो जाएंगी, कहीं ना कहीं शरीर में अंदर कुछ ना कुछ जलेगा, है ना। तो जलेगा तो अल्टीमेटली कौन जलेगा, पानी जलेगा भाई, आग लगेगी तो पानी जलेगा, बॉडी में दो ही चीजें हैं, फायर और वाटर, है ना। तो जैसे जैसे पीछे से किसी का ना साय साय सी आवाज आ रही है, इसको म्यूट कीजिए फिर से। रवीना मैन म्यूट करिएगा। यस तो जब पानी जलेगा तो पानी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी, तो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे को खराब भी करते हैं। इसीलिए भगवान ने ये थर्मोस्टेट हमें दिया है, और नियम क्या बना के भेजा उसने कि भाई 30 मिनट आप, 1 घंटा आप नॉर्मल अपना राइट से सांस लो, 1 घंटा लेफ्ट से सांस लो, तो वो थर्मोस्टेट आपका काम करता रहेगा। अब क्या होता है, स्वर चेंज करना है ना, स्वर चेंज करने के कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। आप एकदम से ठंडा पानी पी लो, आपका चंद्र स्वर चल जाएगा। हमारे यहाँ एक रिवाज है, कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं तो माएँ दही चीनी खिलाती हैं, दही चीनी खिलाओ चंद्र स्वर चल जाता है, मीठा खाओ चंद्र स्वर चल जाता है। ये कुछ फूड है हमारे ऐसे जो चंद्र स्वर चला देते हैं। वो क्यों करते हैं, दही चीनी क्यों खिलाते हैं, कि ठंडे से जाए चंद्र स्वर से घर से निकले तो इसका यात्रा, इसका दिन अच्छा जाएगा। सूर्य स्वर में जाएगा तो झगड़ता हुआ जाएगा, सारा दिन का स्ट्रगल लेके जाएगा, तो क्या करते हैं, दही चीनी खिला देते हैं। आज एग्जाम है भाई, आज दिमाग ठंडा रखना, तो दिमाग दिमाग को ठंडा रखने के लिए दही चीनी खिला दी। हमारे रिवाज ऐसे ही नहीं बने हुए, इन सब के पीछे बहुत जबरदस्त साइंस है। आपके घर में कोई आता है, मेहमान आता है, पता नहीं कैसे कैसे थक हार के वो आ रहा है, कहाँ कहाँ से यात्रा करके आ रहा है। आजकल तो यात्राएं बड़ी कंफर्टेबल हो गई है ना, घर के बाहर से ऊबर उठाती है, घर के बाहर ऊबर छोड़ती है, लेकिन एक जमाना था जब यात्राएं बहुत मुश्किल हुआ करती थी। तो उस जमाने का नियम था, जैसे ही कोई घर में आता था सबसे पहले उसको गुड़ देते थे और साथ में पानी देते थे। गुड़ सूर्य का ग्रहण वो है, गुड़ सूर्य का है, जो फास्फोरस होता है, एनर्जी देता है आपको एकदम से। और पानी जो है वो आपको, अगर वाटर का कंटेंट कम हो गया आपके शरीर में तो वो पानी की कमी को पूरा कर देते, तो दिमाग ठंडा हो जाता है आदमी का, थकान जो है थोड़ा सा शांत होने लग जाती है, मन शांत होने लग जाता है। इसलिए गुड़ और पानी दिया जाता था बाहर से आने वाले। अब आजकल जमाना बदल गया, कैब में जाते हो, कैब में आते हो, एसी चल रहा होता है घर में भी बाहर भी, तो आजकल वो चीजें उतनी मायने नहीं रखती, लेकिन एक जमाने में ये बहुत मायने रखती। ये उस जमाने के नियम है, लेकिन लागू आज भी होते हैं। जिनका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है उनको गुड़ नहीं खाना चाहिए, जिनका सूर्य स्वर कम चलता है वो गुड़ खाएं। डायबिटीज का चेक कर लेना भाई, वैसे मेरी मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, ऐसा नहीं आपने बोला था जी खिला दे तो मैंने खा लिया, अगर डायबिटीज है तो फिर डॉक्टर से चेक कर लेना, ठीक है। तो हर हमारे जितने भी खाने पीने, जितने भी हमारे नियम हैं, जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, सबके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक है।
वो फॉलो करने चाहिए हमें। हम लोग मॉडर्न संस्कृति में जाते जाते सब अपना भूलते जा रहे हैं। अब आजकल दिक्कत ये हो गई कि बच्चे मानते ही नहीं। यू आर वेरी फॉर्चुनेट इफ योर चाइल्ड एक्सेप्ट दैट ये चीजें काम करती हैं, अगर वो मानते हैं ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के बच्चे नहीं मानते। ठीक है जी, लक्ष्मी जी। एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है, जैसे हम जब अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें भी तो दोनों स्वर यूज करके वो बैलेंस करते हैं ना, तो वो हेल्प करेगा अगर किसी को इश्यू है तो। जी अनुलोम विलोम करने के लिए भी नियम है। व्हेन यू स्टार्ट अनुलोम विलोम, मैंने हाँ बताया था क्लास में, जब आप अनुलोम विलोम स्टार्ट करो तो जो आपका स्वर चल रहा हो उसी स्वर से अनुलोम विलोम स्टार्ट करोगे तो ही वो रिजल्ट देगा, नहीं तो आप लगे रहो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो बोलते हैं लेफ्ट से स्टार्ट करो हमेशा, जो हम जहाँ पे भी देखो वो यूट्यूब गलत पे। बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनको स्वर की जानकारी नहीं है। जिनको जिन योगाचार्य जितने हैं जिनको स्वर की जानकारी है वो आपको बताएंगे कि योग बिना स्वर के पूरा ही नहीं होता। कुछ आसन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर सूर्य स्वर में ही किए जाने चाहिए, कुछ आसन हैं जो चंद्र स्वर में ही किए जाने चाहिए। आप आसन कर रहे हो सूर्य स्वर का और चल रहा है आपका चंद्र स्वर, आपको वो आसन से फायदा नहीं होगा। लेकिन जो योगाचार्य स्वर को नहीं जानते वो कैसे कहे इस बात को, उनको पता ही नहीं है। जिनको स्वर आता है, मैंने ऐसे भी लोग मिले मेरे को, उनको स्वर भी आता है योग भी आता है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बो नहीं आता, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे से वो नहीं आता। क्योंकि बताने वाले क्या बताते हैं, इसका उससे कोई वास्ता नहीं, उसका इससे कोई वास्ता नहीं। और मेरे पास तो एक वही चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ ये सारी गंगोत्री एक ही जगह से निकलती है। आप रेकी ले लो, वास्तु ले लो, ज्योतिष ले लो, स्वर ले लो, सिग्नेचर ले लो, ग्राफोलॉजी ले लो, मेरे लिए गंगोत्री एक ही। इस सब अल्टीमेटली पत्री के 12 खानों से निकलते हैं। गंगोत्री असल में ज्योतिषी, सब ज्योतिष पे जाके खत्म होता है। ज्योतिष में तो सब कुछ आता है, आपकी पत्री में। जो जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है उससे हमें इनहेल करना है प्राणायाम के टाइम, स्टार्ट उधर से करना है। नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा। आप 1 घंटा करो विद नो रिजल्ट इफ स्वर इज नॉट मैचिंग। यही चार छोटी छोटी सी चीजें हैं जो रिजल्ट में कन्वर्ट करती हैं, जितनी भी थेरेपीज हैं उनको, बिना उसके नहीं आएगा। सर मैंने वीकेंड पे ट्राई किया वो स्वर वाला, आपने बोला था ना कि हाउस देखने जाओ तो देखना एग्जिट और एंट्री के समय, तो मेरा मैच नहीं हो रहा था। हम लोग गए थे घर देखने और वो घर जैसे भी पसंद नहीं आया तो स्वर भी मैच नहीं हुआ वो, फिर उसमें मैंने चेक किया। स्वर तो मैच होगा ही नहीं, जिस दिन स्वर मैच हो जाएगा वो घर आप छोड़ोगे नहीं। उस स्वर मैच हाँ इसीलिए होगा क्योंकि वहां पे आपको आना है, फिर ओके भी आपने जबरदस्ती कोई मकान ले लिया तो वो फलेगा नहीं उतना अच्छा ऑब्वियसली। राइट और ये बहुत बड़ा सवाल है, मकान फलेगा नहीं फलेगा, हाँ नया बिल्कुल मकान लेना है, वास्तु कैसे चेक करें, नक्शा बनाओ, ये दिशा देखो वो दिशा देखो, कुछ मत देखो, स्वर से चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा मकान आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। इससे आसान कोई थेरेपी हो सकती है बताओ? नहीं सबसे आसान रेमेडी है स्वर से, ज्यादा इजी कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात, चवन्नी नहीं तो लगती। हमेशा दिल्ली होता है। हाँ गुरुजी, ये तो हमारे हाँ साथ जी, दिल्ली होता है। हम एंट्री करते हैं तो लेफ्ट से करते हैं, आउटगोइंग करते हैं तो भी लेफ्ट ही चालू रहता है हमेशा। समझा नहीं। आउटगोइंग इनकमिंग दोनों लेफ्ट में ही चलती रहती है बराबर। ये हाँ तभी तो तो जमे वो उस जगह पे, तभी वो जगह आपको सूट करती है ना, अगर तभी तो हो वहां पे। चलिए ठीक है जी, एक चीज, एक दो चीजें और बतानी है वो बता दूं।